प्यारे मसीह विश्वासियों, जय यीशु की। प्रस्तुत है 19 फरवरी 2021 के बाइबल पाठ। पहला पाठ नबी इसायस के ग्रंथ अध्याय 58 पद संख्याएं 1-9 तक से लिया गया है। प्रभु ईश्वर यह कहता है, पूरी शक्ति से पुकारो, तुरही की तरह अपनी आवाज ऊंची करो, मेरी प्रजा को उसके अपराध और याकूब के वंश को उसके पाप सुनाओ। वे मुझे प्रतिदिन ढूंढते हैं और मेरे मार्ग जानना चाहते हैं, एक ऐसे राष्ट्र की तरह जिसने धर्म का पालन किया हो और अपने ईश्वर की संहिता नहीं भुलाई हो। वे मुझसे सही निर्णय की आशा करते और ईश्वर का सानिध्य चाहते हैं। वे कहते हैं, हम उपवास क्यों करते हैं जब तू देखता भी नहीं, हम तपस्या क्यों करते हैं जब तू ध्यान भी नहीं देता। देखो, उपवास के दिनों में तुम अपना कारोबार करते और अपने सब मजदूरों से कठोर परिश्रम लेते हो। तुम उपवास के दिनों लड़ाई झगड़ा करते और करारे मुक्के मारते हो। तुम आजकल जो उपवास करते हो उससे स्वर्ग में तुम्हारी सुनवाई नहीं होगी। क्या मैं इस प्रकार का उपवास, ऐसी तपस्या का दिन चाहता हूँ जिसमें मनुष्य सरकंडे की तरह अपना सिर झुकाए और टाट तथा राख पर लेट जाए? क्या तुम इसे उपवास और ईश्वर का सुग्रह्य दिवस कहते हो? मैं जो उपवास चाहता हूँ वह इस प्रकार है, अन्याय की बेड़ियों को तोड़ना, जुए के बंधन खोलना, पद दलितों को मुक्त करना और हर प्रकार की गुलामी समाप्त करना, अपनी रोटी भूखों के साथ खाना, बेघर दरिद्रों को अपने यहाँ ठहराना, जो नंगा है उसे कपड़े पहनाना और अपने भाई से मुंह नहीं मोड़ना। तब तुम्हारी ज्योति उषा की तरह फूट निकलेगी और तुम्हारा घाव शीघ्र ही भर जाएगा। तुम्हारी धार्मिकता तुम्हारे आगे आगे चलेगी और ईश्वर की महिमा तुम्हारे पीछे पीछे आती रहेगी। यदि तुम पुकारोगे तो ईश्वर उत्तर देगा, यदि तुम दुहाई दोगे तो वह कहेगा, देखो मैं प्रस्तुत हूँ। यदि तुम अपने बीच से अत्याचार दूर करोगे, किसी पर अभियोग नहीं लगाओगे और किसी की निंदा नहीं करोगे, यह प्रभु की वाणी है। और आज का सुसमाचार पाठ संत मत्ती के अनुसार अध्याय 9 पद संख्या 14-15 तक से लिया गया है। इसके बाद योहन के शिष्य आए और यह बोले, हम और फरीसी उपवास किया करते हैं, आपके शिष्य ऐसा क्यों नहीं करते? ईसा ने उत्तर दिया, जब तक दूल्हा साथ है क्या बाराती शोक मना सकते हैं? किंतु वे दिन आएंगे जब दूल्हा उनसे बिछुड़ जाएगा, उन दिनों वे उपवास करेंगे। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। मसीह विश्वासियों, आज के दोनों पाठों में उपवास शब्द को एक विशेष मुद्दा के रूप में दिखाया गया है। पहले पाठ के अनुसार कुछ लोगों में यह धारणा रहती है कि उपवास करना बेकार है, क्योंकि ये पुराना रीति रिवाज है, या फिर हर एक शुक्रवार को क्रूस रास्ता के दौरान घूम घूम कर तथा घुटने टेक कर या खड़े होकर प्रार्थना करना बेकार एवं लज्जाजनक है। यदि आपके दिमाग में भी ऐसी सोच आती है तो आप भी उन लोगों के सदृश हैं जो धार्मिक रीति रिवाजों के अनुसार चलने फिरने या जीवन यापन करने में लज्जा अनुभव करते हैं। शायद हमारे दिल में लज्जा का अनुभव इसलिए होता है क्योंकि हम ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, अच्छे अच्छे कपड़े पहनते हैं, और हो सकता है कि हम किसी के सामने विनम्र बनना नहीं चाहते हैं, अर्थात किसी के सामने
झुकना पसंद नहीं करते हैं। ईश्वर जो स्वर्ग और पृथ्वी के सृष्टि करता है, जिनके सामने हम एक तिनके के बराबर हैं, अतः हमारा कर्तव्य है कि हम उस सृष्टिकर्ता के सामने विनम्र होकर घुटने टेकें और उसकी आराधना एवं स्तुति करें। कुछ लोगों का सोच यह भी होता है कि हम कई वर्षों से विनती, प्रार्थना, उपवास, त्याग एवं तपस्या करते हैं, लेकिन ईश्वर उनकी प्रार्थनाओं को नहीं सुनते। ये सत्य है कि ईश्वर हमारी असंख्य प्रार्थनाओं को अनसुना कर देते हैं, क्योंकि हम उपवास एवं तपस्या तो करते हैं, लेकिन क्या हम उपवास एवं तपस्या करने के तौर तरीकों को जानते हैं? आज के पहले पाठ द्वारा नबी ईसायस हमें समझाते हैं कि हमें उपवास के दिनों में क्या करना चाहिए। ईसायस नबी कहते हैं कि हम हमारे दैनिक जीवन में कोई परिवर्तन नहीं लाते हैं। हम जो उपवास करते हैं वह सिर्फ दिखावा मात्र है। हम सिर्फ कलीसिया के नियमों को पूरी करने के लिए उपवास, परहेज एवं तपस्या करते हैं। उपवास के दौरान हमें दिन भर प्रभु के साथ दिन गुजारने की आवश्यकता है। कहने का तात्पर्य यह नहीं कि उपवास के दिनों में हम दिन भर गिरजाघर में बैठे रहें और विनती प्रार्थना करें, बल्कि उन दिनों हमारा मन पवित्र हो, शुद्ध हो, जो भी सोचते या कार्य करते हैं उसमें विनम्रता, उदारता एवं ईमानदारीता की झलक दिखाई देनी चाहिए। हमारे उपवास और तपस्या में ईर्ष्या, द्वेष, लड़ाई झगड़ा, मारपीट या अन्यायपूर्ण कारोबार बिल्कुल ही नहीं होना चाहिए, क्योंकि प्रभु कहते हैं, मैं जो उपवास चाहता हूँ वह इस प्रकार है, अन्याय की बेड़ियों को तोड़ना, जुए के बंधन खोलना, पद दलितों को मुक्त करना और हर प्रकार की गुलामी समाप्त करना, अपनी रोटी भूखों के साथ खाना, बेघर दरिद्रों को अपने यहाँ ठहराना, जो नंगा है उसे कपड़े पहनाना और अपने भाई से मुंह नहीं मोड़ना। यदि हम उपवास के दिनों में प्रभु के इन बातों को पूरी करते हैं तो ईश्वर जरूर हमारी प्रार्थनाओं को सुनेंगे। ईश्वर चाहते हैं कि हम सिर्फ खाने पीने का ही उपवास नहीं करें, बल्कि अपना कुमार्ग त्यागें, हर प्रकार के बुरी आदतों से छुटकारा पाएं, सच्चे हृदय से अपने पापों के लिए प्रायश्चित करें। अपने पापों के प्रायश्चित हेतु दूसरों की भलाई करें। जिनके साथ मनमुटाव है उन्हें क्षमा करें, उनके लिए प्रार्थना करें, एक दूसरे को प्यार करें, दरिद्रों के प्रति दया और सहानुभूति रखें, परोपकार के कार्य करें। यदि हम इन सब बातों को पूरी करते हैं तो सचमुच हमारी ज्योति उषा की तरह फूट निकलेगी और धार्मिकता हमारे आगे आगे चलेगी तथा ईश्वर की महिमा हमारे पीछे पीछे आती रहेगी। जी हाँ मेरे प्यारे मसीह विश्वासियों, सच्चा उपवास स्वच्छ समाज की स्थापना करता है, अन्याय की बेड़ियों को तोड़ता है और हर प्रकार की गुलामी को समाप्त करता है। सच्चा उपवास भूखों को रोटी तथा बेघर दरिद्रों को आश्रय, नंगों को कपड़े पहनाता और अपने भाई से मुंह नहीं मोड़ता है। ठीक इसके विपरीत यहूदियों का उपवास विधान के द्वारा स्थापित संबंध को ताक में रखकर व्यक्तिगत उपवास एवं त्याग और रीति रिवाज के पालन मात्र तक सीमित था, जबकि पूरा समाज अन्याय, अत्याचार और पक्षपाती व्यवहार से ग्रसित था। सच्चा उपवास और त्याग हमें लोगों के पास उनके दुख दर्द को समझने के लिए ले जाता है।
उनके जीवन की आवश्यकताओं में प्रवेश करने के लिए ले जाता है। हमें साहस की आवश्यकता होती है क्योंकि ये हमारे सम्मुख चुनौतियाँ पेश करती हैं। इनका सामना करने के लिए हमें सच्ची प्रार्थना और उपवास की जरूरत है। आज हम विश्वासियों के लिए सवाल है कि क्या मैं सच्चे मन और हृदय से उपवास करता हूँ? आइए हम प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें कि दयालु परमेश्वर हम पर दया करे, क्योंकि हम पापी और अज्ञानी हैं। हमें कृपा दे कि हम तपस्या के पुण्य फलों द्वारा अपने दुर्गुणों को दमन कर सकें, अपने पापों के लिए पश्चाताप कर सकें, लोगों की सेवा और प्रेरित कार्यों द्वारा उनका अनुकरण कर सकें। आमीन।